मेगा आर, मतलब जो रेंज रोवर जो डिस्कवरी है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ी बनाई गई है। तो दोस्तों सामने आपके खड़ी है टाटा की हैरियर। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप टाटा का ये बीस्ट आप खुद ही देख सकते हो। दोस्तों ये वाला जो मॉडल है ये है काजीरंगा एडिशन एक्सजेड प्लस। जी हाँ दोस्तों, सामने आपको मिल जाएगा ये बड़ा सा टाटा का लोगो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ब्लैक वाली ग्रिल मिल जाएगी, जो हेडलैम्प है वो दोस्तों आपको जो लो वाला है वो LED मिल जाएगा, और जो आपको जो हाई वाला है वो आपको हैलोजन मिल जाएगा। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर हम इसके टायर सेक्शन की बात करें दोस्तों, आपको दोस्तों R17 आपको 17 इंचेस के आपको अलॉयबल मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको राइनो का जो बैच मिल जाएगा, और दोस्तों ये है इसका ORBM। दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर है वो भी आपको दोस्तों आपको मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगी, और दोस्तों अगर हम बैक की बात करें तो बैक में आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक ही मिलेंगी। आपका जो इंडिकेटर है, ये आपके लाइट्स हैं, और दोस्तों ये आपके फॉग लैंप हैं। और दोस्तों ये आपको पीछे आपको जो फेक वाली जो एग्जॉस्ट आपको मिल जाएंगे, पीछे आपको हैरियर की बैचिंग मिल जाएगी, यहाँ पे टाटा का आपको लोगो मिल जाएगा। अच्छे दोस्तों आपको शार्फिन एंटीना मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों ओवरऑल गाड़ी के लुक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब लुक वाइज ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और दोस्तों मैं आपको बताया था जो इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है और मतलब जो रेंज रोवर जो डिस्कवरी है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ी बनाई गई है। और दोस्तों अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग आपको ये वाइपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों आप खुद गाड़ी की लुक्स देख सकते हो, मतलब स्टनिंग लुक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक है। मतलब देखते ही ना इस गाड़ी के ऊपर ऐसे दिल सा जाता है, भाई क्या बना दिया टाटा ने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे इस गाड़ी के रियर में। दोस्तों रियर में चलते ही दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पीछे की आपको जो सीट्स हैं वो आपको डुअल टोन में मिल जाएगी। ये आपका आर्मरेस्ट आ गया, इसमें दोस्तों आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे, और आपको जो हेडरेस्ट हैं वो भी आपको दोस्तों मिल जाएंगे। तो और दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों जो इसका जो हैंडल है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2-3 बोतल आपको रखने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बैठते हैं इसके पीछे, पीछे का हम देखते हैं जो कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो दोस्तों पीछे हम आगे हैं, दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा AC के इवेंट। और दोस्तों अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो मेरी हाइट है यहाँ पे 5.7। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आराम से बैठ पा रहा हूँ, मेरे को कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप खुद जो लेग स्पेस देख सकते हो। ऊपर दोस्तों आपको बड़ी सी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। तो दोस्तों यही है गाड़ी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस गाड़ी के अभी फ्रंट रो में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट रो में। दोस्तों फ्रंट रो में आते ही आपको यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, विंडो का कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो स्पीकर मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ बॉटल्स रखने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। दोस्तों हम गाड़ी के अंदर यहाँ पे आगे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्पेस की आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेयरिंग की। दोस्तों स्टेयरिंग में आपको बड़ा सा लोगो मिल जाएगा, हॉर्न का आपको बटन इसके बीच में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाएंगे, आपको कॉल के कंट्रोल मिल जाएंगे, क्रूज जो कंट्रोल है उसके ऑप्शन मिल जाएंगे, और दोस्तों स्टार्ट इंजन स्टॉप का आपको बटन मिल जाएगा। और दोस्तों आपको जो वुड वाली जो मतलब डैशबोर्ड मिल जाएगा, वुड वाली थोड़ी थीम में आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है मिरर का जो कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर दोस्तों आपको जो है आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको AC वन मिल गया। दोस्तों यहाँ पे 6-speed आपको जो गियर बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मोड मिल जाएंगे, यहाँ पे रफ है, यहाँ पे स्नो है। दोस्तों ये आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी, मतलब बहुत ही अच्छी हैंड ब्रेक है यहाँ पे। दोस्तों ऐसे आप नीचे करोगे तो दोस्तों ये ऊपर करोगे तो आपकी जो हैंड ब्रेक लग जाएगी। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जाएंगे, ये आपका आर्मरेस्ट आ गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको 12 volt का जो सॉकेट मिल जाएगा एक, और दोस्तों दो आपको USB जो चार्ज वाले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया। और दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है आपको ड्राइव मोड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सिटी है, इको है, स्पोर्ट्स है, ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको AC के ब्लोअर के सारे कंट्रोल देखने को मिल। दोस्तों अब ये जो काजीरंगा एडिशन है इसमें दोस्तों आपको एयर प्योरीफायर भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनके बीच मतलब इन बिल्ड आपको एयर प्योरीफायर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको ऑन करोगे तो आपकी ये स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के स्पेस की, दोस्तों आपको इस गाड़ी
साइड में बहुत ही अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है। मतलब जो सीट का जो कंफर्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब अगर आप लॉन्ग ट्रिप करते हो, लॉन्ग ट्रिप पे जाना पसंद करते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गाड़ी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब। तक के लिए जय हिंद।